तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर फटने से स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, जिसमें स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति की घायल होने की सूचना मिल रही है। यह घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के सिसोनी के पास NH 327E पर हुई है। बताया गया है कि स्कॉर्पियो पर सवार होकर सभी लोग वसंतपुर प्रखंड में हुए चुनाव के मतगणना में भाग लेने सुपौल सदर आ रहे थे। बता दें कि सदर बाजार के BSS कॉलेज प्रांगण में आज वसंतपुर प्रखंड में हुए चुनाव का मतगणना चल रहा है। दुर्घटना में घायल सभी लोगों को सदर अस्पताल लाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि घायलों में गंभीर रूप से घायल दो व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। वही घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जांच में जुट गई है। BNP न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। टायर जो है आपसे आवाज कर गया क्या? कौन गाड़ी था? टायर आवाज कर गया। कहाँ आ रहे थे आप लोग? हम लोग कोंटिंग में आ रहे थे। कोंटिंग में सुपौल में? किनके पक्ष से आ रहे थे? मुखिया जी के पक्ष से। क्या नाम है मुखिया जी? संजीव पास। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आफ्ताब अंसारी। कितने आदमी झुंड हुए उसमें? कितने आदमी को घायल हुआ? कितने को घायल हुआ अभी हम तो नहीं देखे हैं। सब मिला जाके 5-7 आदमी। एक्सीडेंट हुआ है क्या? गाड़ी का टायर खुल गया। गाड़ी स्पीड में खास नहीं था। टायर खुल गया गाड़ी का? जी। कहाँ आ रहे थे आप लोग? सुपौल आ रहे थे। कहाँ के लिए? मतगणना हो रहा था। काउंटिंग में आ रहे थे जी। कहाँ घर हुआ? क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद। सुरेश पासवान। सुरेश पासवान। कितने आदमी इंजर्ड हुए इसमें? ठीक है, थोड़ा आराम। ठीक है। सब आदमी। कितने आदमी था? 7-8 आदमी। ना अभी तो हम ना सब ठीक से। रहा है उसी काउंटिंग में शंकरपुर चिलमिलिया बसंतपुर पंचायत के कुछ लोग इधर आए हैं काउंटिंग के लिए, उसी में एक गाड़ी का शायद टायर ब्रस्ट हो गया या क्या हुआ, वो लोग तो बताएंगे, बताए नहीं हैं अभी। उसी में तकरीबन 10 आदमी इंजर्ड है। क्या स्थिति? क्या है स्थिति? सबकी ठीक है, थोड़ा सा चूंकि अब किसी को माथे में चोट लगा है तो उसका तो स्थिति थोड़ी देर बाद अगर कुछ होगा तो कहा जाएगा। इंट्रोडक्शन दे सर। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दे सर। डॉक्टर अजय कुमार झा, सदर हॉस्पिटल।